हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आज के ब्लॉग में हम आपको ले आए हैं दोस्तों श्री राम जानकी मंदिर। श्री राम जानकी मंदिर में पंडित श्री सूर्यकांत तिवारी जी का, गोढ़ी वाले महाराज जी का आज श्रावण के महीने में महारुद्राभिषेक का कार्यक्रम होने जा रहा है दोस्तों। अभी कुछ ही क्षणों में स्टार्ट हो ही जाएगा, तो चलिए हम आपको देर ना करते हुए महारुद्राभिषेक की हल्की सी झलक दिखाते हैं। तो चलिए बने रहिए आप हमारे साथ। संसार में जहाँ भी शिव जी के जलधारी बहेगी तो उत्तर दिशा में बहेगी, और केवल और केवल 12 ज्योतिर्लिंगों में एक ही ज्योतिर्लिंग ऐसा है जिसकी जलधारी दक्षिण दिशा में बहेगी। दक्षिण दिशा में क्यों? क्योंकि दक्षिण दिशा यमराज का घर है। यमराज को कहते हैं काल, और काल को कोई अगर हरा सकता है तो बोलिए ना बड़े भाव से। इसीलिए महाकाल के जलधारी ही दक्षिण दिशा में बैठी, क्योंकि काल में काल को जीतने की जिसमें शक्ति हो, सामर्थ्यता हो, उसी को महाकाल कहा जाता है। हम भगवान शिव के पैर को धोए, पैर वाला भाग यानी जहाँ से जलहरी से लेकर शिव जी आरम्भ होते हैं, सबसे नीचे वाला भाग पैर वाला कहलाया। उस भाग में भगवान शिव के सुंदर जल चढ़ाइए थोड़ा सा, जिस प्रकार मन में सोचिए कि भगवान शिव के पैर को हम धो रहे हैं। और जल से इसी 16 मंत्र से अभिषेक हरि ओम गणानंदा गणपति गो हवामहे भयानंदा गणपति गो हवामहे भयानंदिमान गणपति गो हवामहे मधुमया जाने गुरुज पावन देव ब्रह्मा गायत्री ते गो जगदयः नमो गंगाधा जनतो सिंहाय कमलदेव नमिनंदाः गुरुदाय तदा दवला भागवाः सन्नादगे गमिनंदाः सहोदय
अभिषेक का कार्य संपन्न होने के बाद अपन निकलेंगे पार्थिव शिवलिंग को विसर्जित करने के लिए। अपन जाएंगे अभी तालाब, कौन से तालाब? नवा तरिया। चलिए अपने आप चला जाएगा। बोले विश्वनाथ भगवान की जय। पहले कपूर को करिएगा, उसके बाद फिर विसर्जन होगा ना। बस बस छोड़ दीजिए बंद मत करिए। अब इसको थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, कीप सपोर्टिंग एंड कीप सब्सक्राइब। जय महाकाल।